हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं सुनील टू के आप सभी लोगों का सर ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारी क्लास है जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स की सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 पढ़ेंगे। और हमने पिछले जो क्लास में पढ़ा था टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज के एक सिरे से सामने वाले जो आधार है उस पर आपको रेखा खींच रही थी और उनके अकॉर्डिंगली आपको ट्राइंगल्स निकालने थे। और हमने सेकंड जो टाइप दी थी उसमें दो शीर्षों से सामने वाली जो आधार है उस पर आपको रेखा खींची और उनके अकॉर्डिंग आपको ट्राइंगल निकालने थे। और जो अपने टाइप 3 है, टाइप 3 में हम पढ़ेंगे मध्य बिंदुओं को काटकर ट्राइंगल बना दें। यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए, यह आपका कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं इन मध्य बिंदुओं को काटकर एक ट्राइंगल बना दी, इनके मध्य बिंदुओं को काटकर एक ट्राइंगल बना दी और ट्राइंगल के अंदर ही वापस मध्य बिंदुओं को काटकर एक ट्राइंगल बना दी। तो और अब जो भी आपको डायग्राम बनता है, जो भी आपकी आकृति बनती है, इनको ट्राइंगल से निकाल के आपको बतानी है। तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से देखिए, अंदर से बाहर की तरफ काउंट करना है। अंदर से क्या करना है, बाहर की तरफ आपको काउंट करना है। तो देखिए त्रिभुजों को काउंट कैसे करोगे, सबसे पहले अंदर से आपको बाहर की तरफ चलना है, तो अंदर ट्राइंगल पहला, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा और ये एक बड़े वाला 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8 और एक ये बड़े वाला कितना हो गया 9। तो इस आकृति में ट्राइंगलों की संख्या कितनी हो गई, 9 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है, 9 ट्राइंगल है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी, 9 होगी। इन मध्य बिंदुओं से यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि मध्य बिंदु से काट के और आपको एक त्रिभुज बनाया जाए, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो इनको सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको देखिए अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है, सबसे पहले अंदर जो अंदर ही अंदर है उसको आपको ट्राइंगल से गिनना शुरू करना, काउंट करना शुरू करना है और बाहर की तरफ आपको चलना है। ये अपना पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम एक में बना के आपको देता हूँ, और इसमें कैसे काम करेंगे देखिए, ये ट्राइंगल हो गया, इनके मध्य बिंदुओं को हमने काटा और एक ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल के भी मध्य बिंदुओं को हमने काटा और एक ट्राइंगल बना दिया, और इस ट्राइंगल के भी मध्य बिंदुओं को हमने काटा और एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल जो इस आकृति है ये डायग्राम में, इसमें ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 और एक बड़े वाला कितना हो गया 5, फिर 6, 7, 8, ये बड़े वाला कितना हो गया 9, इसके बाद में 10, 11, 12 और ये एक बड़े वाला कितना हो गया 13। इनमें ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी, इसमें ट्राइंगलों की संख्या 13 होगी। ठीक है, इसके बाद में हम एक अपना बड़ा क्वेश्चन करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको एक बड़ा सा डायग्राम बना के दूंगा, उसमें आपको काउंट ऑफ फिगर्स, जो ट्राइंगल्स की काउंट ऑफ फिगर्स हैं वो आपको बतानी है। एक बड़ा सा ट्राइंगल है,
और इनके मध्य बिंदुओं को मैं काट के एक ट्रायंगल बनाता हूं, इनके मध्य बिंदुओं को काट के एक अंदर एक ट्रायंगल और बना लिया। अब ये ट्रायंगल है, देखिए हमने पहली जो की थी पहले डाइप, उसमें जो शीर्ष है सिर से सामने वाले आधार पे आपको रेखा खींच गई थी, इसमें भी हम दोनों टाइप को पहले टाइप और तीसरी टाइप को दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसमें हम अंदर की और मध्य बिंदु से काट के भी एक ट्रायंगल बनाएंगे और जो शीर्ष है शीर्ष से सामने वाले जो आधार है उस पे भी रेखा खींच के एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें भी ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी है। इसी प्रकार ये तीसरे में भी अपन तीसरे शीर्ष से भी सामने वाले आधार की उच्च रेखा खींचेंगे और ये आपके एक आकृति है और इनके एक छोटा सा ओवर बना देते हैं और इसमें भी एक छोटा सा ओवर बना देते हैं। ये डायग्राम तो आपको एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस जो डायग्राम है, इस जो बड़ा सा ट्रायंगल है, इस आकृति में आपको ट्रायंगलों की संख्या आपको बतानी है तो आप किसी काउंट करोगे। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में जो मध्य बिंदुओं को काट के छोटे 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 जो आपको ट्रायंगल बनाए गए हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मध्य बिंदुओं को काट कर ट्रायंगल बना जो बना दें तो आपको क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ तरफ काउंट करना है, अंदर से बाहर की तरफ क्या करना है, काउंट करना है। तो सबसे पहले तो हम अंदर वाले ट्रायंगलों को काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, फिर बड़े वाला कितना हो गया, बड़े वाला पांच हो गया, उसके बाद में छः सात और ये कितना हो गया, आठ हो गया। आठ के बाद में ये एक बड़े वाला ट्रायंगल कितना हो गया, नौ हो गया। तो देखिए अब जो मध्य बिंदु काट के ट्रायंगल बनाए गए हैं इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या नौ हो गई है। इसके बाद में देखिए ये आपके जो अलग अलग तीन पार्ट में आपके जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनको कैसे काउंट करोगे। तो देखिए सबसे पहले टाइप में हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था, एक ऐसा डायग्राम बनाया था, इसमें काउंट ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी थी। तो देखो इसमें एक ही शीर्ष से, इसमें एक ही शीर्ष से सामने वाले आधार पे आपको रेखा खींची गई है, तो आप जितने आधार हैं उनको आप जोड़ते हो और जोड़ने के बाद में उनको काउंट करना है। तो देखिए ये है टाइप फर्स्ट और ये टाइप कितनी है, थर्ड। टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड को इस डायग्राम में मिक्स किया हुआ है। तो टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक शीर्ष से सामने वाले आधार पे जो रेखा खींची गई थी उसमें सभी आधारों को हमने जोड़ा था और इनमें दो रेखा खींची गई थी, इसमें आधारों की संख्या हो गई तीन और तीन से कितने ट्रायंगल बनते हैं, छह ट्रायंगल बनते हैं। और इस सेंटर से ये डायग्राम है, इसमें आधार कितने हैं, एक दो और ये कितना हो गया तीन, और तीन से कितना बन जाएगा, ट्रायंगलों की संख्या छह हो जाएगी। इसी प्रकार इससे भी ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, छह हो जाएगी, और इससे भी कितनी हो जाएगी, ट्रायंगलों की संख्या छह हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी आधार एक दो तीन है, इसमें भी आधार एक दो तीन है। तो देखिए मध्य बिंदु से काट के जो भी अपने ट्रायंगल निकले थे उनकी संख्या कितनी थी, नौ थी। तो सबसे पहले जोड़ेंगे नौ, उसके बाद जो बाहर वाले ट्रायंगल थे इनकी संख्या कितनी है, इसकी छः प्लस छः प्लस कितनी है, छः। अब सबको जोड़ देंगे, छः ती अठारह और अठारह नौ कितने हो गए, सत्ताईस हो गए। तो इस डायग्राम में ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, ट्रायंगलों की संख्या सत्ताईस हो गई। अपनी जो टाइप थर्ड है ये कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। टाइप थर्ड पूरी हो गई है और अब हमारे टाइप है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, यदि किसी ट्रायंगल में माध्य का हो तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। कोई मान लो त्रिभुज है और त्रिभुज में आपकी जो माध्य का दे दी एक, तो माध्य का देने पे इन ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके दिए गए डायग्राम में। तो देखिए पहले तो देखिए माध्य का होती क्या है,
तो देखिए माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से, देखिए यदि किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से यदि किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से सामने वाले आधार पर यदि रेखाएं आधार पर मिलने वाली या खींची गई मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। देखिए ये एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज से किसी भी एक शीर्ष से सामने वाले आधार पर यदि एक रेखा खींची जाती है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। और चौथी टाइप है अपनी, इसमें आपको एक डायग्राम दिया होगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल आएगा, उसमें आपको माध्यिका खींची हुई आएगी और उन माध्यिकाओं से आप को इनमें काउंट ऑफ जो ट्रायंगल्स है उनकी संख्या आपको बतानी है, ट्रायंगल्स की संख्या काउंट करनी है, उसके बाद में बतानी है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, देखिए इसमें यदि हम सीधा जोड़े एक दो और ये बड़े वाला कितना हो गया? तीन हो गया। इसमें संख्या कितनी होगी? ट्रायंगल्स की संख्या होगी आपकी तीन होगी। और यदि मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बताऊं एक शॉर्ट ट्रिक से, तो आप ये लिखोगे यदि एक माध्यिका हो तो, यदि एक माध्यिका हो तो, यदि किसी भी त्रिभुज में यदि एक माध्यिका हो तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? तीन त्रिभुज होंगी। उसमें कितने त्रिभुज होंगे? तीन त्रिभुज होंगे। यदि किसी भी माध्यिका या किसी भी त्रिभुज में डेढ़ माध्यिका हो, यदि किसी त्रिभुज में डेढ़ माध्यिका हो, यदि डेढ़ माध्यिका हो तो उनमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? उसमें ट्रायंगलों की संख्या पांच हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज में ट्रायंगलों की संख्या दो हो तो, या फिर किसी भी त्रिभुज में आपकी माध्यिकाओं की संख्या दो हो तो, यदि माध्यिकाओं की संख्या ये त्रिभुज में दो माध्यिकाओं हो तो आपके ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? तो ट्रायंगलों की संख्या आपकी हो जाएगी आठ हो जाएगी। उसमें आठ त्रिभुज होंगे। यदि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं दे हैं देती आपको, और आपको पूछ लिया जाए कि इस दिए गए जो डायग्राम है इस आकृति में ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी? आठ हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या कितनी हो, यदि माध्यिकाओं की संख्या ढाई हो, यदि ढाई हो तो आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी बारह। त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितने होंगी? बारह त्रिभुज हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या तीन हो, माध्यिकाओं की संख्या कितनी हो? तीन हो, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। एक दो तीन, उनके बारे में हम क्वेश्चन भी करेंगे इन सबके। यदि माध्यिकाओं की संख्या तीन है तो त्रिभुजों की संख्या सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? सोलह हो जाएगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? सोलह हो जाएगी। एक बार आप इनको उतार लीजिए
और इन्वेस्टमेंट छुटा ले सकते हो। अब हम इन सब के जो कितने टाइप के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के हो गए, इनमें 5 तरह के डायग्राम बनेंगे और इन सब के एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए यदि मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ पहला टाइप, चलिए साथ में करवा देते हैं, मिटाना पड़ेगा एक बार। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या 1 है तो उनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ कुछ और मैं माध्यिका खींचता हूँ। दूसरा मैंने डायग्राम बनाया एक माध्यिका और ये कितनी हो गई आपकी, डेढ़ माध्यिका हो गई। तीसरा मैंने डायग्राम बनाया एक माध्यिका और ये कौन सी होगी, दो माध्यिका होगी। मैंने चौथा डायग्राम बनाया जिसमें 1, 2 और ये कितने होगी, ढाई होगी। मैंने पांचवा डायग्राम बनाया जिसमें माध्यिकाओं की संख्या मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे त्रिभुज में एक सिर से सामने वाले आधार पे आपको जो रेखाएं मिल रही है, जो आधार से रेखाएं मिलाई गई है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका। और इस त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या कितनी है, 1 है। माध्यिकाओं की संख्या 1 है तो इसमें ट्राइंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ट्राइंगलों की संख्या 3 हो जाएगी। सीधी सीधी कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। आप काउंट करके भी लिख सकते हो 1, 2 और ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 हो गए। आगे हम चलिए, ये माध्यिका 1 हो गई और ये माध्यिका किसी शीर्ष से जा रही है, ये माध्यिका आपकी आधी होगी। कितनी माध्यिका होगी आपकी, डेढ़ माध्यिका होगी। यदि किसी त्रिभुज में आपको डेढ़ माध्यिका मिलती है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगले यदि हम डायग्राम की तरफ चलें, इसमें माध्यिकाओं की संख्या कितनी है, देखिए ये दोनों माध्यिकाएं पूरी है, इसमें माध्यिकाओं की संख्या 2 है। यदि किसी त्रिभुज में 2 माध्यिका हो, 2 माध्यिकाएं होंगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। और अगले डायग्राम की तरफ चलिए, इसमें माध्यिकाओं की संख्या कितनी है, देखिए सबसे पहले ये माध्यिका पूरी, उसके बाद में सेकंड माध्यिका, ये तीसरी माध्यिका है वो आधी है। ये माध्यिका कितनी हो जाएगी, डेढ़, 1, 2 और ये कितनी हो जाएगी, ढाई माध्यिका हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या ढाई है तो उनकी जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, उसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हमारी जो लास्ट है पांचवा डायग्राम, उसकी हम जो माध्यिकाओं की संख्या जो काउंट करेंगे वो कितनी होगी, देखिए ये एक पूरी माध्यिका, ये भी दूसरी पूरी माध्यिका और ये तीसरी भी कितनी होगी, माध्यिकाओं की संख्या 3 होगी जो पूरी है। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या 3 है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आप चाहिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसका एक अपवाद पढ़ेंगे कि ये ट्रिक हेल्पिंग डायग्राम में लागू नहीं होती है। तो चलिए इसका एक जो अपवाद है, ये भी जो ट्रिक है वो सब में लागू नहीं होती है। अब इसका एक अपवाद हम पढ़ेंगे और इसका जो अपवाद है वो अपवाद क्या है, देखिए अपवाद ये है कि जो आधी माध्यिका है
आदि माध्यिका है, देखिए जो आदि माध्यिका है कौन सी, ये आदि माध्यिका, ये जो आदि माध्यिका है वो यहां तो सिर से जा रही है, लेकिन आपको यदि आदि माध्यिका वो आधार से दे दी, आधार से यदि आधार से आपको माध्यिका दे दी तो ये माध्यिका आदि हो गई, और लेकिन ये माध्यिका नहीं है, आदि माध्यिका शीर्ष से आधार की तरफ होनी या खींची जानी चाहिए, यदि आधार से आदि रेखा खींची जाती है तो वह माध्यिका नहीं होगी, वह क्या नहीं होगी, माध्यिका नहीं होगी। माध्यिका कौन सी होती है, ये एक आपका त्रिभुज है, इसमें आपको एक शीर्ष से सामने वाली आधार रेखा खींचती और दूसरे शीर्ष से आपको एक रेखा आधी खींचती, ये हो जाएगी आपकी आधी माध्यिका। और जो अपवाद आपको बता रहा है वो ये है कि एक शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाले आधार पे एक आपको रेखा खींचती, ये माध्यिका हो गई, लेकिन दूसरा जो ये आधार है, आधार से आपको ये रेखा खींचते तो ये आधी रेखा है वो क्या नहीं होगी, आधार से खींची जा रही है इसलिए ये माध्यिका नहीं होगी और ये काउंट नहीं होगी। अब एक अपवाद है, अपवाद वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, उसमें आपको एक मैं डायग्राम बना के देता हूं, देखिए इसमें मैं दो माध्यिका खींचती, खींचने के बाद में मैंने एक ये खींच दिया, इसमें आपको इस डायग्राम में आपको क्या करना है, इसमें काउंट ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने हैं, तो कैसे करोगे, देखिए माध्यिकाओं की संख्या एक दो होगी, ये तीसरी माध्यिका नहीं है क्योंकि ये आधार से खींची गई है, इसलिए सबको पहले सिंगल बॉक्स से काउंट करेंगे, सिंगल बॉक्स से काउंट करेंगे, क्या करेगी सिंगल बॉक्स काउंट करेगी, तो देखिए आपका एक दो तीन चार पांच, पांच ये देखिए त्रिभुज नहीं है आपका, ध्यान से देखना है त्रिभुज नहीं है, इसमें सिंगल बॉक्स है, इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, चार होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, चार होगी, इसके बाद में हम डबल बॉक्स काउंट करेंगे, कितने कितने बॉक्स है, दो दो बॉक्स काउंट करेंगे, देखिए ये दोनों बॉक्स मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक हो गया, उसके बाद में ये दो त्रिभुज मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों डायग्राम मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, तो यदि दो बॉक्स हम लेते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, तीन हो जाती है, इसके बाद में हम तीन तीन बॉक्स काउंट करेंगे, तीन तीन बॉक्स, देखिए कौन कौन से तीन बॉक्सों से अपना बनता है, एक दो तीन बॉक्स क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन गया, उसके बाद में हम अगला लेते हैं एक दो तीन, एक और बन गया, इसके बाद में इन तीनों से बनेगा नहीं, और कौन कौन से होंगे, सिर्फ तीन बॉक्स सिर्फ और सिर्फ दो ही त्रिभुज बनेंगे, और ये एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया, ये कौन सा हो गया, बिग बॉक्स बड़े वाला बॉक्स हो गया, एक टोटल कितने हो गए, चार प्लस तीन प्लस दो प्लस का कितना हो गया, एक चार तीन सात, सात तीन कितने हो गए, दस, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी 10 होगी, तो इसी के साथ ही आज की हमारी जो सेशन है
जो क्लास आपने टाइप थर्टी टाइप थर्ड और टाइप फोर ये जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है इनका चाहें तो आप इसको इंस्टीट्यूट ले सकते हो। और ऐसे ही हमसे बने जुड़े रहिए और हमारे साथ इसका ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।